Good morning students, welcome. Today we'll be discuss tick the correct option. हमने chapter read out किया पहले video में, अब हम इसके tick the correct option आपसे discuss करेंगे कि ये कैसे किया जाता है. जैसे आपको पहला question दिया होगा यहाँ पर A. हम सबने पढ़ा था और family क्या होता है, फैमिली के बारे में बताना है. अब इनके कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन आएंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. जो सही है उसके पर आपको राइट का निशान लगाना है. सो के अब देखो पहला लिखना, आपको लिखना कैसे है, पहले हम आपको लिखना सिखाएं. लिखना है टिक यानी राइट का निशान, एक ऐसा सर्किल बना हुआ होगा एरो के अंदर. द ये ऐसे लिखा, ये आपको एक लाइन के अंदर ही लिखना है. ओके, फिर मैं यहां नंबर डालूंगी वन. पहला क्वेश्चन, अ स्मॉल फैमिली हैज फिर ए डैश मेंबर, ये अपना क्वेश्चन है. जैसे मैंने लिखा बिल्कुल आपको वैसा ही लिखना है. अब इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं ए, पहले में क्या दे रखा है, थ्री एंड फोर, थ्री और टू, टी एच आर डबल ई, थ्री और टू. फिर ऐसा बॉक्स बना हुआ होगा, फिर बी है इसका सेवन, फिर सी है इसका फाइव, ऐसा बॉक्स बना हुआ होगा. आपको ऐसे ही दिया जाएगा. अगर आपकी नोटबुक में नहीं आता, एक लाइन पूरी भर जाती है, तो आपको उसी दूसरी लाइन के अंदर ये लाइन करनी है. ओके, अब अपने को देखना है कि स्मॉल फैमिली हैज मेंबर, एक जो छोटा परिवार होता है उसके अंदर कितने सदस्य होने चाहिए, थ्री और टू, सेवन या फाइव, कितने होने चाहिए, थ्री और फोर, थ्री या टू, इतने ही मेंबर इसमें होने चाहिए. ओके, तो इस पे हम लगाएंगे राइट का निशान. ये सही है, छोटे परिवार में कम सदस्य होते हैं, चार या पांच ही सदस्य होते हैं. अब इसी का क्वेश्चन नंबर टू बी, ये हो गया ए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया टू. अब टू नंबर देखो, अब ए डैश फैमिली इज हैप्पी फैमिली, फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली. अब ये कह रहा है कि ए फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली. अब कौन सी फैमिली खुश होती है, तो देखना अपने को ए में स्मॉल लार्ज या जॉइंट. अब देखना, अब कौन सी फैमिली होती है हैप्पी फैमिली, कौन सी फैमिली खुश होती है. इसमें थ्री ऑप्शन दे रखे हैं आपको, स्मॉल लार्ज जॉइंट, तो कौन सी होगी आपकी हैप्पी फैमिली. यस, बताओ, स्मॉल फैमिली, वेरी गुड. कौन सी होती है, स्मॉल फैमिली. अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, अब है ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ए डैश फैमिली. अब ये कह रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ फैमिली.
अब बड़े दादा जो पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो कौन से परिवार में रहते हैं अपने, बताओ? स्मॉल फैमिली में रहते हैं वहां पे? कौन कौन से परिवार में रहते हैं? स्मॉल जॉइंट, या लार्ज एंड छोटे परिवार में तो 3 या 4 होते हैं, 4, ठीक है? अब बताओ, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ स्मॉल फैमिली, अब इसमें कौन से परिवार के सदस्य होते हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स जिसमें रहते हैं, वो कौन से परिवार है? लार्ज, स्मॉल या जॉइंट, कौन सा है? यस, लार्ज फैमिली में दादा दादी सभी लोग घर के सदस्य मिलकर रहते हैं। हो गया ये, इसका आपका PDF भी दिया जाएगा। इसको एक लाइन के अंदर एक क्वेश्चन को करना है, एक लाइन में जितना है उतना करना है, अगर नहीं आए तो दूसरी लाइन यूज करनी है, अगर आंसर अभी आपका अधूरा रहे तो भी दूसरी लाइन में करना है, अगर आंसर कंप्लीट होने के बाद में काफी जगह बच जाती है तो उस जगह को खाली रखना है, नया क्वेश्चन नए लाइन से स्टार्ट करना है। ओके, अब देखो मैं आपको 2 और 4 भी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो, देखो अभी इसी के साथ। अब इसी के साथ है राइट, ट्रू एंड फॉल्स, राइट एंड फॉल्स, ये अपना ट्रू एंड फॉल्स है, इसको राइट या रॉन्ग करना, अगर जो राइट है उसको राइट लिखना है। इसका पहला है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर from a family, parents and their children together a family, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे साथ मिलकर रहते हैं वो कौन सी फैमिली होती है? स्मॉल, ठीक है? अब बताओ इसमें ये सब रहते हैं, ये सही है गलत? राइट, टू, इस पे लगाएंगे बॉक्स में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, द मेंबर ऑफ अ फैमिली Members of a family live together in a house. घर के अंदर मेंबर फैमिली के अंदर इकट्ठे होके रहते हैं, सब घर के मेंबर तो घर के साथ इकट्ठे होके रहेंगे, ये सही है गलत है? यस, ट्रू एंड फॉल्स, क्या होगा? ट्रू, वेरी गुड। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन ए
grandparents live in a house. Live in a small family. ये कह रहे हैं अपने दादा दादी जो होते हैं घर के सदस्य सारे दादा दादी जो भी चाचा चाची जो भी होते हैं क्या वो एक छोटे परिवार में रहते हैं यस या नो नहीं ये स्मॉल फैमिली में आते हैं बड़े परिवार में लार्ज होता है दादा दादी किस कौन से परिवार में रहेंगे बड़े परिवार में तो ये क्या होगा ट्रू या फॉल्स नहीं रहते तो अपन लिखेंगे फॉल्स ओके क्वेश्चन नंबर 4 A joint family is a joint family is also a large family. अब बताइए जॉइंट फैमिली इज आल्सो लार्ज फैमिली क्या जॉइंट फैमिली मिलकर एक साथ लार्ज फैमिली बड़ी फैमिली एक साथ होके रहती है आल्सो लार्ज फैमिली वो एक साथ रहती है और क्या वो बड़ी फैमिली कहलाती है जो एक साथ मिलकर रहते हैं यस या नो ट्रू या फॉल्स बड़ी फैमिली क्या होती है एक साथ मिलकर रहती है तो यहाँ क्या करेंगे अपन ट्रू ओके अब अपना लास्ट क्वेश्चन है A large family is a happy family. Family is a happy family. अब बताओ इसमें पहले अपन ने चैप्टर में रीड आउट किया था कि लार्ज फैमिली हैप्पी रहती है स्मॉल फैमिली हैप्पी रहती है कौन सी फैमिली हैप्पी रहती है स्मॉल फैमिली हैप्पी रहती है लेकिन इसमें इसने क्या कहा कि इसमें लार्ज फैमिली हैप्पी रहती है ये राइट या रॉन्ग ट्रू या फॉल्स यस फॉल्स वेरी गुड देखो अब मैंने आपको 1 और 2 मतलब ए और बी 2 क्वेश्चन करवाए दोनों आपको नोटबुक में नोट करना है आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा नहीं समझ में आए तो इसको बार बार वीडियो को देखना उसको आपको उसी चैप्टर के हिसाब से आपको करवाए हैं इसको ध्यान से देखना कॉपी में ध्यान से करना जो भी लिखते हो स्पेलिंग रीड आउट करके लिखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना इस ओके थैंक यू